नमस्कार, आज मैं बताऊंगा मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग करके हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखें, मस्ट लिखा है। मस्ट का मतलब क्या होता है? चाहिए, जिसमें अवश्य छिपा रहता है। जब भी हमें बोलना हो अवश्य चाहिए, जैसे तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य लिखना चाहिए, अवश्य या जरूर, ये तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे जरूरी हो, जो चीज़ बहुत ज़रूरी हो और उसका अर्थ चाहिए के रूप में लगाया जाता है, तो वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से हम देखेंगे। देखो, एक पहला एग्जाम्पल है, यू मस्ट गो। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। जब हमें ऐसा बोलना हो तो हम बोलेंगे यू मस्ट गो। यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इस तरह से यह सेंटेंस बनता है और हम इसका प्रयोग करके अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू मस्ट राइट अ स्टोरी। यू मस्ट राइट अ स्टोरी, तुम्हें एक स्टोरी अवश्य लिखना चाहिए। हमें किसी को बोलना हो तुम्हें एक कहानी अवश्य लिखना चाहिए, तो उसके लिए बोलेंगे यू मस्ट राइट अ स्टोरी। यहाँ पे एक कहानी की बात हुई है, मस्ट का प्रयोग किया गया है और राइट ये वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ये सेंटेंस बना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें एक गाना अवश्य गाना चाहिए, तुम्हें एक गाना अवश्य गाना चाहिए। यू मस्ट सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर सिंग मतलब होता है गाना गाना, अ सॉन्ग मतलब एक गाना, और मस्ट का प्रयोग किया गया है। इस तरह से सेंटेंस बना है और यहाँ पे सिंग के फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। अब आगे का एग्जाम्पल देखें, राम मस्ट वर्क हार्ड। राम मस्ट वर्क हार्ड, राम को, वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, राम को कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। राम को कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए, राम मस्ट वर्क हार्ड। इस तरह से यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल में मस्ट का प्रयोग करके वर्क की जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हम इस तरह से ये ट्रांसलेशन बनाए हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अवश्य इंग्लिश बोलनी चाहिए, तुम्हें अवश्य इंग्लिश बोलना चाहिए। अगर हमें ऐसा बोलना हो तो वहाँ पे यू मस्ट स्पीक इंग्लिश इस तरह से ट्रांसलेशन होगा। और यहाँ पर भी देखो मस्ट का प्रयोग किया गया है, स्पीक जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम ये सेंटेंस बनाए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए। आगे का एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ मतलब सच बोलना, तुम्हें जरूर सच बोलना चाहिए, तुम्हें अवश्य सच बोलना चाहिए। इस तरह का वाक्य हो तो उसका ट्रांसलेशन होगा यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पर भी वही ध्यान देना है आपको कि स्पीक जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है और मस्ट का प्रयोग किया गया है। मतलब कभी भी हम ऐसा सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी और मस्ट जब आएगा तो अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए। इस तरह का इसका ट्रांसलेशन बनता है। अगला एग्जाम्पल देखें, आई मस्ट प्ले क्रिकेट। आई मस्ट प्ले क्रिकेट, प्ले मतलब होता है खेलना, मुझे अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए, मुझे अवश्य क्रिकेट खेलना
चाहिए, आई मस्ट प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे आई मस्ट प्ले क्रिकेट। प्ले जो है एक वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और इस तरह से सेंटेंस बना है। चलो अगला एग्जाम्पल में समझते हैं। यू मस्ट मीट राम। देखो मीट का मतलब होता है मिलना, मीट का मतलब मिलना, तुम्हें राम से अवश्य मिलना चाहिए। यू मस्ट मीट राम, तुम्हें राम से अवश्य मिलना चाहिए, तुम्हें राम से जरूर मिलना चाहिए। यहाँ पे मीट की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है और इस तरह से यह सेंटेंस बना है, यू मस्ट मीट राम। आगे का एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल वी मस्ट नो द ट्रूथ। हमें देखो वी मतलब हम, नो मतलब जानना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हमें सत्य को अवश्य जानना चाहिए, हमें सत्य को अवश्य जानना चाहिए। वी मस्ट नो द ट्रूथ, इस तरह से सेंटेंस बना है। एक लास्ट एग्जाम्पल, मोहन मस्ट हेल्प श्याम। मोहन मस्ट हेल्प श्याम, मोहन को श्याम की मदद अवश्य करनी चाहिए, मोहन को श्याम की मदद अवश्य करनी चाहिए। तो यहाँ पे मोहन मस्ट हेल्प श्याम। यहाँ पर आप देखिए हेल्प जो है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, मस्ट आपका ये प्रयोग किया गया है और इस तरह से सेंटेंस बनता है मोहन मस्ट हेल्प श्याम। ये मैंने बहुत सिंपल सेंटेंस बताया, इससे आप समझे कि मस्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इससे आपको समझ में आया कि हम कभी भी मस्ट का प्रयोग करना हो तो उसमें जरूर या अवश्य आएगा, जरूर जाना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए, जरूर सोना चाहिए, जरूर दौड़ना चाहिए। जब भी जरूर या अवश्य आए तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाना है और यह एक बार हम सीख गए तो बोलने में हमें बहुत आसानी होगी, हम आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो हमें इस ग्रामर को अच्छे से समझ लेना है और ये बहुत ही सिंपल है जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर हम नए वीडियो में एक नए ग्रामर और नए प्रयोग के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।